हाय एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्यवार सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सेल्फी फिल्म का ट्रेलर रिव्यू करेंगे जो 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है सिनेमा के रूप। ये फिल्म 2019 में आई मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल रीमेक है, जो कि क्रिटिकली अक्लेम और सुपरहिट फिल्म थी। ट्रेलर में हम देखते हैं कि अक्षय कुमार अपने रियल लाइफ के जैसे बहुत ही बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार, और इमरान हाशमी यानी कि ओम प्रकाश एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर दिखाए गए हैं, जो कि विजय के बहुत बड़े फैन हैं। विजय के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और यही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं ओम प्रकाश। उनको लगता है कि विजय को लाइसेंस दिलाकर वो उनके साथ एक सेल्फी लेने का ख्वाब पूरा कर सकता है, लेकिन ये डील बहुत बुरी तरीके से एंड होती है और उन दोनों के बीच में मामला काफी एस्केलेट हो जाता है। क्या होता है जब जिस इंसान को आप पूछते हो उनके ही साथ आपकी दुश्मनी हो जाए, ये देखने के लिए हमको वेट करना होगा 24 फरवरी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज मेहता ने। उन्होंने इससे पहले गुड न्यूज और जुग जुग जियो जैसी अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शंस, पृथ्वीराज प्रोडक्शंस, मैजिक प्रिंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने। फिल्म में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी के अलावा हम देखेंगे नुसरत भरूचा और डायना पेंटी को। ओवरऑल ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि फिल्म में हमको बहुत ज्यादा ड्रामा और बहुत ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी। हीरो और फैन के बीच की ये लड़ाई हमको पक्का किसी ना किसी मोड पर इमोशनल जरूर कर देगी, ऐसा लगता है। ये फिल्म एक मास मसाला एंटरटेनर होगी और हम इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था फिल्म सेल्फी का ट्रेलर रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एनकरेज कीजिए। रिव्यू को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जैसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।